है माता जी की। सर ये त्रिकुटा भवन मतलब कटरा बस स्टैंड के बगल में ही है क्या, दूर है वो रेलवे स्टेशन? त्रिकुटा भवन सर, आप बस स्टैंड से आप पैदल आना चाहेंगे तो आपको पड़ेगा वो 400-500 मीटर पड़ेगा, आधे किलोमीटर मतलब मुश्किल से। मतलब वो ये अपना निहारिका कॉम्प्लेक्स के बगल में ही है? नहीं जी, निहारिका कॉम्प्लेक्स जो है बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है। और त्रिकुटा भवन आप चौक पे आएंगे, चौक से जो कटरा मार्केट को रोड जा रहा है सीधा, जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पे पर्ची मिलती थी पहले, जहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है, सिविल हॉस्पिटल है, पर्ची मिलती है जहाँ पे वो प्राइवेट पार्किंग है, उसके सामने त्रिकुटा भवन है। अगर आप ऑटो करोगे तो ऑटो वाला मुश्किल से आपसे 40-50 रुपए लेगा बस। जी जी। और सर ये मतलब ये फैमिली के लिए मतलब ये अपना हम छह लोग हैं तो मतलब ऐसे डोमेट्री में एकदम पूरा मिल जाएगा क्या, अलग से मिलता है उधर? सर देखिए, डोमेट्री में किस समय जा रहे हैं ज्यादा मायने रखता है, किस समय जा रहे हैं आप यात्रा पे? यात्रा पे मैं नवंबर के जा रहा, 3 या 4 तारीख। हाँ, नवंबर में आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। नवरात्रों में थोड़ा मुश्किल होता है, भीड़ होती है नवंबर में। जैसे किसी रूम में 7 बेड है ना, तो आप 6 लोग हैं तो आप बोलेंगे उनसे कि हमें 7 के 7 दे दो रूम के, तो आपको पूरा रूम ही दे देंगे वो। या फिर ऐसा होता है या किसी दूसरे रूम में 2 लोग हैं तो वो समझ जाते हैं बात की फैमिली है, 7 रूम ले रहे हैं तो आपको रूम दे देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, एक पिछली बार मैं गया था तो रोज का रोज मतलब ऑनलाइन मैंने बुक किया था डोमेट्री पिछली बार निहारिका कॉम्प्लेक्स में। हाँ जी। तो उसमें कैसे एक ही दिन का रहता है ना उसमें खाली 24 घंटे का सर, 10 बजे से अगले 10 बजे तक। हाँ, तो आपने को और 2 दिन रहना है तो मतलब वो कैसे? अलग अलग दिन का बुक करना पड़ेगा। जैसे आपने आज का बुक कर लिया, फिर आप कल का बुक कीजिए, परसों का बुक कीजिए, और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उनको बता दीजिए कि मेरे 3 दिन की बुकिंग है, मेरे को 3 दिन यही रूम चाहिए। ओके ओके ठीक है। लेकिन आप 3 दिन का क्यों कर रहे हैं? सर फैमिली के साथ दे रहा तो मतलब कैसे 3? आप ना मेरी बात सुनिए, 1 दिन का कीजिए ना, दूसरे दिन तो आप यात्रा पे होंगे। हाँ, तो सेम डे वापिस आ जाएंगे यात्रा से ऊपर से? हाँ, वो हेलीकॉप्टर का चालू है जरा। अरे अरे, फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मम्मी पापा का जरा वो पैदल नहीं चल सकते ना। अरे ठीक है, 3 दिन का बुक कीजिए, 100 रुपए तो डोमेट्री है और वहाँ पे लगेज का भी चार्ज लगता है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हेलीकॉप्टर का कैसा है सर उधर? वो हेलीकॉप्टर का बिल्कुल बढ़िया है, अभी तो टिकट ऐसे ही मिल रही थी, अभी शरादों में तो भीड़ है नहीं जाता तो टिकट आराम से मिल रही थी। बाकी मौसम भी ये मान लीजिए आप, अगर मैं पूरी एवरेज की बात करूं तो 10 दिन में कहीं 1 दिन मौसम खराब होता है, वो भी 3-4 घंटे के लिए, तो हेलीकॉप्टर का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ना उसका? हाँ, आराम से। मैंने देखा उसका वीडियो भी। हाँ जी, हाँ जी, वही वही। तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी, इसी व्हाट्सएप नंबर। चलो मैं ऐड कर लेता हूँ, कुछ रहा तो मैं कॉल करता हूँ सर। हाँ जी जी, कुछ रहा तो कॉल करता हूँ अगर प्रॉब्लम आया। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपकी मेरी बात हुई है।